हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, जो कि एजुकेशन की दुनिया की सारी लेटेस्ट खबरें आपके लिए हम हमेशा लेकर आते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं IBPS क्लर्क 2020 नोटिफिकेशन के डिटेल्स। जी हाँ, IBPS क्लर्क ने नोटिफिकेशन जारी किया है 2021 में। क्लर्क के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है। बहुत लंबे समय से सबको इसका इंतज़ार था और वो अब समय आ गया है कि IBPS ने इस बार की वैकेंसी डिटेल्स और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म फिल करने की डेट्स भी आ गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं कि IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन में क्या खास है इस बार, कितनी वैकेंसी हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, इस बार का सिलेबस और पैटर्न क्या है, बिल्कुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। IBPS क्लर्क यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सोनल सिलेक्शन ने क्लर्क की वैकेंसीज निकाली हैं 2021 में। क्लर्क की वैकेंसीज के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए रिक्रूटमेंट नोटिस जारी की गई है, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो वहाँ वैकेंसीज हैं। और ऑलमोस्ट SBI को छोड़कर और कुछ एक दो बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़कर, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंक, वो सब IBPS क्लर्क के 2021 एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी उन सारे बैंक्स में जो रिक्रूटमेंट होगी वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू होती है, IBPS क्लर्क 2021। सो ये जो एग्ज़ाम है वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबे समय से बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो थे वो इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, बिल्कुल सबके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स पे। एप्लीकेशन कब से शुरू हो रही है? 12/7/2021 से एप्लीकेशन शुरू हो रही है। लास्ट डेट आपका क्या है? लास्ट डेट 1/8 यानी कि 12 जुलाई से आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो शुरू हो रही हैं और 1 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। पेड ट्रेनिंग यानी कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कुछ कैटेगरीज के लिए कराई जाती है वो कब है? वो आपकी 16/8/2021 को यानी 16 अगस्त को आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगा। ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम की डेट जो रखी गई है वो भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 28/29 अगस्त और 4/9/2021 यानी कि 28/29 अगस्त को एग्ज़ाम्स होंगे और 1/4 अक्टूबर को एग्ज़ाम्स। ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम के डेट की बात करें तो 28/29 अगस्त और 4 सितंबर, तीन डेट्स पे एग्ज़ाम्स होनी है। एग्ज़ाम्स की डेट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 28/29 ये कौन से मंथ्स में? ये अगस्त में। एंड देन आपका है 4 सितंबर, ठीक है। ये तीन डेट्स पे IBPS क्लर्क 2021 के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, 28/29 और 4 सितंबर को। प्री का जो एडमिट कार्ड है वो अगस्त में आपको अवेलेबल होगा, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। मेंस एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 31 अक्टूबर को मेंस का एग्ज़ाम होना है, यानी करीब एक महीना का वक्त होगा आपके पास प्री से मेंस के लिए। सो इस बीच क्या है कि प्रिपरेशन जो है आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त इस बार नहीं मिला है। कोविड पैंडेमिक के कारण जो फॉर्म्स हैं वो काफ़ी लेट से आए हैं, इसलिए इस बार सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होने की संभावना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए IBPS की तरफ से 850 रुपीज़ है। 850 रुपीज़ बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, IBPS अगर कंडक्ट कराता है तो वो 850 रुपीज़ जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए चार्ज रखता है। SC ST और PH की बात करें तो 175 रुपीज़। और ये जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है ये आप ऑनलाइन मोड से ही यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, कैश कार्ड के थ्रू ही पे कर सकते हैं, कैश पेमेंट आप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि वैकेंसी कितनी है, कितनी वैकेंसीज़ के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली गई है। तो वैकेंसीज़ हैं इस पर काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज़ हैं, करीब 5,858 पोस्ट जो हैं वो क्लर्क के हैं IBPS के थ्रू। 5,858 यानी कि 5,000+ वैकेंसीज़ जो हैं वो इस बार हैं। बहुत अच्छा मौका है सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, वैकेंसीज़ अच्छी संख्या में हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी आप किसी भी स्ट्रीम से, आपने बैचलर्स की डिग्री की हो यानी आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज की बात करें तो 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, 20 से 28 साल के एज होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी है एज की, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, यानी कि किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, शुरुआत करते हैं यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार से। तो तीन पोस्ट हैं वहाँ पे टोटल। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 11 पोस्ट हैं वहाँ पे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 263 पोस्ट है। असम की बात करें तो 156 पोस्ट हैं वहाँ पे। बिहार की बात करें तो 250 से ज़्यादा, 252 पोस्ट हैं वहाँ पे। चंडीगढ़ में 27, छत्तीसगढ़ में 89, दादर नगर एंड दमन एंड दीव में 2, दिल्ली एनसीटी में 258, गोवा में 58, गुजरात में 357, हरियाणा में 103, हिमाचल प्रदेश में 130 एंड जम्मू एंड कश्मीर में 25। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 78, कर्नाटका में 407, केरला में 141, लक्षद्वीप में 5, मध्य प्रदेश में 324, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 799 वैकेंसीज हैं, मणिपुर में 6, मेघालय में 9, मिजोरम में 3, नागालैंड में 9, ये सारे पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, उड़ीसा में 229, पांडिचेरी में 3, पंजाब में 352, राजस्थान में 117, सिक्किम में 27, तमिलनाडु में 268, तेलंगाना में 263, त्रिपुरा में 8 और उत्तर प्रदेश में 661। अगेन उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज है। उत्तराखंड में 49 वैकेंसीज हैं। और देख लेते हैं और कौन से स्टेट्स हैं। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में 366। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो महाराष्ट्र में है, 799 के आसपास वैकेंसीज जो है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद उससे कम अगर बात करें तो 661 वैकेंसीज जो है वो यूपी में है, 661 वैकेंसीज यूपी में है, 799 वैकेंसीज महाराष्ट्र में है। चलिए अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा वो कैसे होगा। एग्ज़ाम दो स्टेज का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग होता है, मेरिट लिस्ट जो आपकी बनती है वो मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है। आईबीपीएस क्लर्क के लिए कोई इंटरव्यू ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, पीओ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इंटरव्यू, लेकिन क्लर्क के लिए कोई भी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करें तो आपसे रीजनिंग एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा। रीजनिंग में आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स में भी 35 क्वेश्चन और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, तो आप मेंस एग्जाम में पहुंचेंगे। और मेंस एग्जाम में क्या होगा, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स एक सेक्शन होगा जिसमें आपसे रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे, और दूसरा सेक्शन होगा मैथ्स का, तीसरा सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का यानी इंग्लिश का, और चौथा जो होगा वो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें आपसे बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर से स्टैटिक नॉलेज और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स, स्पेशली बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाएंगे इस सेक्शन में। अब बात करते हैं कि डिटेल सिलेबस क्या होगा, सारे ही टॉपिक्स का डिटेल सिलेबस क्या होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। ये देखिए, ये मैंने प्रीलिम्स के पैटर्न को तो पहले ही डिस्कस किया है। पैटर्न क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में 30 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 35 और मैक्सिमम मार्क्स 35, रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे और 100 क्वेश्चंस होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, सो आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर टिक नहीं करना है वरना बहुत सारे मार्क्स ऐसे भी कट जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं मेंस के पैटर्न की। मेंस के पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर के क्वेश्चंस तो 50 होंगे, मार्क्स उनके 60 होंगे। इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स होंगे। टोटल अगर हम बात करें तो 190 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 190 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, ये मेंस का पैटर्न। प्री की तो बात हमने कर ली थी, हमने मेंस के बारे में भी बात कर लिया। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है, यानी कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में हमें किस प्रकार की नॉलेज चाहिए जिससे सवाल पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में। चलिए उसको एक बार डिटेल से देख लेते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में तीन सेक्शंस होते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ये तीन जो है मेन टॉपिक्स है जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। वोकैबुलरी से हमें क्या पूछा जाएगा, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड स्पेलिंग पे हमें ध्यान देना है। ग्रामर की बात करें तो स्पॉटिंग एरर्स, फ्रेजेस, idioms, direct and indirect speech, active, passive voice and जो हमारा part of speech है, बहुत सारे जो noun pronoun थे, इन सब से related errors पूछे जाते हैं, fillers पूछे जाते हैं। अब reading comprehension section की बात करें तो इसमें theme detection, passage completion, topic, rearrangement of passage, ये सारे सवाल जो हैं वो reading comprehension से हैं। इसके अलावा deriving conclusion, जो passage दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है कि author क्या कहना चाहता है, तो conclusion derive करने के लिए भी questions आते हैं। चलिए अब बात करते हैं reasoning section की, कि reasoning में हमें क्या पढ़ना है। reasoning section की बात करें तो basically reasoning को दो parts में, verbal reasoning and non-verbal reasoning में divide किया गया। verbal reasoning की बात करें तो analogy, classification, word formation, statement and conclusion, syllogism, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पैसेज एंड कंक्लूजन, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, डायरेक्शन सेंस, डिसीजन मेकिंग, फिगर, इनपुट आउटपुट, असर्शन एंड रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट। ये सारे जो हैं ये वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। चलिए अब नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स देख लेते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको सीरीज टेस्ट, ऑड फिगर आउट, एनालॉजी और मिसलेनियस टेस्ट नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। 35 क्वेश्चंस प्री में होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं मैथ्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रीलिम्स में 35 मार्क्स और मेंस में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। तो मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्टॉक्स एंड शेयर्स, परसेंटेजेस, पार्टनरशिप, क्लॉक्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, बार एंड ग्राफ्स, लाइन चार्ट एंड टेबल्स। इसके अलावा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, लॉगरिदम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोनोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स सेक्शन से आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंस में जो कंप्यूटर नॉलेज एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में जुड़ जाता है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर की कितनी जानकारी ज़रूरी है मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो कंप्यूटर में जो टॉपिक्स हैं वो हैं बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। ये सारे टॉपिक्स से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कंप्यूटर सेक्शन में, जो कि रीजनिंग के साथ 50 मार्क्स का, 60 मार्क्स का होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें, बैंक का एग्जाम है और जनरल अवेयरनेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ मेंस। तो देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको जनरल अवेयरनेस में। करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने का, आप 1 साल का पढ़े वो भी काफ़ी सही रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स तो बिल्कुल पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रीसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका इतिहास क्या रहा है, वैसे सब्जेक्ट्स, वैसे टॉपिक्स, और हाल ही में क्या क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसीज लाई गई हैं, उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी भारत में नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि RBI, SEBI, IRDA, FSDC और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ADB, UN एटसेट्रा, इन सब के एब्रीविएशंस और इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज, बैंकिंग टर्म्स, इन सब से सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन कैपिटल एंड मनी मार्केट, यानी कि जो भी आपका सिलेबस होगा वो पैसों रुपए से ही रिलेटेड, अब हमारी इकोनॉमी, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से ही रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिटेल से बात की IBPS क्लर्क 2021 के नोटिफिकेशंस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप जिस स्टेट से फिल कर रहे होते हैं उसका भी आपकी कट ऑफ और आपके सिलेक्शन पर बहुत हद तक असर पड़ता है। तो चलिए एक बार फिर से इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है आज के वीडियो में। जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो है क्या कि 12th of July से जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो रहे हैं, और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट आपका 1 अगस्त है। 1 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं 850 रुपये जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए और 175 रुपये SC ST PH के लिए। टोटल वैकेंसीज है 5858 वैकेंसीज जो इस बार आई हैं, और जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और एज 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने IBPS के रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में डिटेल से बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।